नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज मैं बात करने जा रही हूँ घुटनों के दर्द के बारे में कि घुटनों के दर्द से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि वो उपाय क्या है। और साथ ही साथ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। प्लीज गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि हमें घुटनों के दर्द का कैसे इलाज करना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल तो कम उम्र में भी घुटनों का दर्द हर किसी को होने लगा है। तो ऐसे में हम अपने घुटनों के दर्द के इलाज के लिए न जाने कितनी मेडिसिन्स लेते हैं, कितनी टैबलेट्स लेते हैं और न जाने कितने घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें इन सभी चीजों के साथ अपने घुटनों में गर्माहट बनाए रखने के लिए भी जरूरत होती है। अब हर कोई तो हर वक्त घुटनों पर गर्म पट्टी बांधकर तो नहीं घूम सकते हैं। इसके लिए तरह तरह की चीजें भी आ रही है, लेकिन हर कोई इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, बहुत ही जो एक मिनट में आप बना सकते हो, घर पर DIY बना सकते हो, ऐसे में अपने घुटनों को आराम दे सकते हो और घुटनों में गर्माहट बनाए रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि वो उपाय क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको घुटनों के दर्द का इलाज बताने जा रही हूँ। गाइस, ये ट्यूब बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, आप इसे यूज कर सकते हो। ये है एलिमेंट्स वेलनेस की नोवेदना जेल और ये 50 ग्राम का आपको इसमें प्रोडक्ट मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसमें 6 नेचुरल ऑयल्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो कि आपके दर्द को कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसे आप देख सकते हो, रिलीफ फ्रॉम स्मॉल एंड लार्ज जॉइंट पेन, इजीज मस्कुलर पेन, रिड्यूस फ्रोजन शोल्डर पेन। आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपके, अगर इन हिस्सों में दर्द होता है तो आप इस जेल को आराम से लगा सकते हो। और इस जेल को आप 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को भी लगा सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन 5 से 10 साल तक के बच्चों को आप इसे बेझिझक लगा सकते हैं। बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा इसे लगाने पर, और 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी आप इसे लगा सकते हो। सेकंड, मैं आपको यहां पर बताने जा रही हूं ओमनीजेल दर्द, सूजन और जकड़न से राहत पाने के लिए आप ओमनीजेल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी है, 30 ग्राम का आपको इसमें प्रोडक्ट मिल जाता है। दोनों ही ट्यूब काफी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाती है। आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं जोन सी भी आप लगाना चाहें। ओमनीजेल भी बहुत जल्दी रिलीफ देती है, आप ये कह सकते हो बहुत जल्दी रिलीफ देती है। आपके कहीं पर भी आपकी बॉडी में, कमर में, घुटनों में या कलाई में, अगर कोहनी में दर्द होता है, जॉइंट पेन कहीं पर भी है, तो ये उसमें बहुत जल्दी आपको राहत पहुंचाती है। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इसे लगाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। ज्यादा छोटे बच्चों को लगाइए मत ये वाली ट्यूब। लेकिन अगर आप नोवेदना लगाना चाहते हैं तो आप 5 साल से 10 साल के बच्चों को लगा सकते हैं, लेकिन ओमनीजेल आप 10 साल से ऊपर के बच्चों को ही लगाइएगा। तो ये भी काफी अच्छी ट्यूब है, काफी अच्छा ऑप्शन है, आप इसे भी लगा सकते हैं। और इसे लगाने के बाद आपने क्या करना है, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो यहां पर आपको सेकंड स्टेप जो करना है वो ये है गाइस, ये आप देख सकते हो, ये मैंने वेस्टेज ली है, ये सॉक्स मतलब पुरानी सॉक्स थी, आप कोई भी पुरानी सॉक्स ले लीजिए जो भी आपके पास वेस्ट हो। तो इसे आपने करना क्या है, सबसे पहले आप उस ट्यूब को उस हिस्से पर लगा लीजिए, उस जेल को जहां पर आपको पेन हो रही है। और उसके बाद मैं आपको ये तरीका बता रही हूं, और इसको आपने काट लेना है, इतने हिस्से में मैं इसको काटूंगी, तो आप देख लीजिए। तो आपने इसको इस तरीके से काटना है, ये देखिए, तो मैंने इसे कट कर लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूं कि आपने इसे किस तरीके से पहनना है। तो यहां पर आपको मैं डेमो कर दिखा रही हूं। तो यहां पर मैं ले रही हूं नोवेदना जेल, आपने इसे लगा लेना है, ये देखिए। अब मैं इस ऑक्स ले रही हूं यहां पर, जो कि मैंने कैंची से काट ली थी, तब आप देखिए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आप इसे इस तरीके से अपने घुटने को कवर कर सकते हो। इससे आपके घुटनों में गर्माहट भी बनी रहेगी और आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब हम यहां पर गर्म पट्टी बांधते हैं तो अक्सर हमें चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से सॉक्स को कैंची से काट कर और इस तरीके से अगर इसे कवर कर लेते हैं तो आपके घुटने के दर्द में गर्माहट बनी रहेगी और आपको दर्द में भी आराम मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है गाइस, बहुत अच्छा DIY है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस सॉक्स को अपने नीज में, अगर आपके ज्वाइंट पेन है तो वहां पर भी आप हाथ और पैरों पर इसे पहन सकते हैं, और कलाई में अगर आपकी कहीं पर मोच आ गई है तब भी आप इसे पहन सकते हो। अगर आप वर्किंग हो तो इसे बाहर आपको पहनने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छा नुस्खा है गाइस, इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको मेरा ये DIY कैसा लगा। इससे आपका पूरा घुटना जो है कवर हो गया है, तो आप देख सकते हो।
इसके अलावा आपको रोजाना मेथी की सब्जी खानी है, रोजाना नहीं तो एक दो दिन छोड़ के भी आप मेथी की सब्जी खा सकते हैं, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हो सभी खानी चाहिए आपको, अपने मील्स में शामिल करनी चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स लीजिए जितना हो सके, और इसके अलावा आपको चुकंदर का रस, संतरे का रस रोजाना अपनी मील में शामिल करना है, इससे भी आपके घुटनों के दर्द में आपको आराम मिलेगा, और आप बेसन की बिना नमक की रोटी खाइए, इससे भी आपके घुटनों के दर्द में आपको आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको मेरे ये उपाय पसंद आए होंगे और हेल्पफुल लगे मेरी वीडियोस, तो प्लीज और लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।